बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए दो बूंद जिंदगी की दी जाती है, वहीं अब इन बच्चों के दिमाग को तेज बनाने के लिए इन्हें स्वर्ण प्राशन करवाने की तैयारी है। ऐसा करने से बच्चों की मेधा जागृत होती है और उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ती है। सब कुछ ठीक रहा तो सरकार जन्म से 5 साल तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाएगी। पल्स पोलियो की दो बूंद जिंदगी की तर्ज पर स्वर्ण प्राशन होगा। सभी आयुर्वेद अस्पतालों में स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जाएगा। इस संस्कार में सोने की पतली रॉड को गर्म करके पानी में डुबो दिया जाता है। इसके बाद इस पानी की दो दो बूंद बच्चों को पिलाई जाती है। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चों की शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ती है, साथ ही उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। आयुष विभाग के सचिव सह आयुक्त एमके अग्रवाल ने आयुष विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए हैं। ऐसा होने से मध्य प्रदेश के तमाम बच्चों को बड़ा लाभ होगा। आयुर्वेद आचार्य मानते हैं कि ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम होगा और ये बच्चों में विलक्षण परिणाम ला कर देगा। स्वर्ण प्राशन के जो लाभ हैं विशेष रूप से वो ये हैं कि स्वर्ण प्राशन में बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। उनमें बार बार बीमार जो बच्चे पड़ते हैं वो बीमार पड़ना कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में स्वर्ण भस्म और आपका घृत और शहद ये बहुत जल्दी बच्चों में एब्सॉर्ब होता है, क्योंकि बच्चों का जो तासीर होती है उसके उनका विकास बहुत जल्दी बढ़ता है। बच्चों में स्वर्ण प्राशन से इंटेलेक्चुअल पावर जो रहती है बढ़ती है, उनमें बुद्धि का विकास होता है, चीज़ों को जल्दी ग्रहण करने की एक शक्ति पैदा होती है। स्वर्ण प्राशन में स्टेमिना यानी शक्ति, मानसिक शारीरिक शक्तियों की वृद्धि होती है। बच्चों और बढ़ते हुए बच्चों में यह बहुत अधिक लाभदायक होता है। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक उपाय है जिसमें शुद्ध स्वर्ण भस्म, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, गौघृत और अन्य औषधियों को बच्चे को चटाया जाता है। यह एक प्रकार का आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन मेथड है तथा यह बच्चों में पूर्णतः दुष्प्रभाव रहित है। स्वर्ण प्राशन से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते, उनका विकास तेज होता है, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा है, बुद्धि का विकास होता है, बच्चों का डाइजेशन इम्प्रूव होता है तथा त्वचा का रंग और कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है। सरकार की मंशा है कि मध्य प्रदेश के सभी आयुष औषधालय में कम से कम 15 औषधीय पौधे वाला गार्डन बनाया जाएगा। इसके अलावा अस्पतालों में दवाओं की कमी ना हो, इसके लिए बीमारियों के लिहाज से दवाओं की जरूरत का अनुमान लगाने को कहा है। दूसरे चरण में 45 नए आयुष ग्राम बनाने को कहा है। इसके पहले 30 आयुष ग्राम बनाए गए हैं। इन ग्रामों में हर व्यक्ति का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाता है। इस आधार पर उनकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि की नियमित जाँचें की जाती है। स्वर्ण प्राशन है वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है। ये एक प्रकार से इम्यूनाइजेशन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही नहीं बढ़ाता, अमूमन ये आपके मेंटल जो डेवलपमेंट के लिए और एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।